तो ये बड़ी खबर जहां पर तेज रफ्तार का कहर साफ तौर पर देखा गया। अनियंत्रित एम्बुलेंस खड़े ट्रक में घुस गई। हादसे में दो की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। कन्नौज से अलीगढ़ जा रही थी एम्बुलेंस, ड्राइवर समेत तीन लोग एम्बुलेंस में सवार थे। हादसे में एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ चुके हैं। घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना बिछुआ इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 51 की ये पूरी घटना है। तो लगातार बड़ी खबर, मंगलवार का दिन कुछ खास नहीं, लगातार हादसों की खबर सामने आ रही है और ऐसे में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर साफ तौर पर देखा गया है। तो मेनपुर से ये बड़ी खबर जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। और आपको बता दें कि अनियंत्रित एम्बुलेंस खड़े ट्रक में जाकर टकरा गई, जिसकी वजह से हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है जिसको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कन्नौज से अलीगढ़ जा रही थी एम्बुलेंस और इसी दरमियान ये बड़ा हादसा हुआ है। थाना बिछुआ इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 51 की ये पूरी घटना है। तो ये बड़ा हादसा, दो की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से जख्मी है, जख्मी का इलाज लगातार जारी है। लगातार मेनपुर से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। अनियंत्रित एम्बुलेंस ट्रक से जाकर टकरा गई और ऐसे में ये बड़ा हादसा हुआ है। दो की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है, घायल का इलाज लगातार जारी है। तो कन्नौज से अलीगढ़ जा रही थी एम्बुलेंस, इसी दरमियान ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर साफ तौर पर देखा गया। थाना बिछुआ इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 51 की ये पूरी घटना है। तो लगातार आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा रहे, दो की मौके पर ही मौत हो गई है, मेनपुर से ये बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। आपको बता दें कि इस पूरे हादसे में एक की हालत अभी फिलहाल नाजुक बनी हुई है, हालत गंभीर है और लगातार इलाज जारी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला, मंगलवार का दिन कुछ खास नहीं, क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास? देखिए, ये थाना बिछवा इलाके में हादसा हुआ है। आपको बता दें, एक एम्बुलेंस थी जो कन्नौज से अलीगढ़ के लिए जा रही थी, जैसे ही थाना बिछवा इलाके के NH 91 पर पहुंची है, वहां एक ट्रक खड़ा हुआ था और तेज रफ्तार में थी एम्बुलेंस और ट्रक के पीछे से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें, तीन लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन दो लोगों ने वहां पर दम तोड़ दिया और एक जो व्यक्ति है वो गंभीर हालत में है, जिसका इलाज किया जा रहा है। जी मनोज, ऐसे में घायल की स्थिति अभी क्या कुछ बनी हुई है? देखिए, जो घायल है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसका जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मनोज, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल? देखिए, जो हादसा हुआ, हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी, आसपास के जो ग्रामीण पहुंचे थे और जो इलाका पुलिस है वो ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि यह हादसा आखिर कैसे हुआ है। हालांकि जो प्रथम दृष्टया जो सामने आया है वो यही आया है कि ट्रक खड़ा हुआ था और एम्बुलेंस उसके पीछे से घुस गई और काफी तेज रफ्तार में ये एम्बुलेंस थी और ये बड़ा हादसा हो गया। ठीक मनोज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।